फ्रेंडशिप विद ए रॉग, धूर्त से बेईमान से दोस्ती करना, फ्रेंडशिप विद ए रॉग इज एज फ्यूटाइल एज सोइंग सीड्स इन बैरन लैंड। अर्थात जैसे कि किसी बंजर भूमि में बीज बोए जाते हैं, बेकार रहते हैं, इसी तरीके से एक बेईमान या धूर्त से दोस्ती करना फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है, बेकार है। मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैंने शब्द लिया है वो मोबाइल फोन का बहुत प्रसिद्ध शब्द है, डिलीट, DELETE, डिलीट। मैंने कई शब्द और भी दिए हैं मिटाने के, इसका अर्थ होता है मिटाना। डिलीट हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट, उसका नाम सूची से मिटा दो। डिलीट हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट, माई नेम वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, मेरा नाम सूची से हटा दिया गया, मिटा दिया गया। डिलीट माने मिटाना, हटाना। रब शब्द दूसरा लिया है मैंने, RUB, ही रब्ड द आंसर्स, उसने उत्तर मिटा दिए, ऑफ द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट से उसने उत्तर मिटा दिए। ब्लैक बोर्ड की हिंदी होती है श्याम पट, ये व्हाइट बोर्ड है। रगड़ना, रब का दूसरा अर्थ है रगड़ना। शी रब्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें मली, रगड़ी, आईज। ही रब्ड हिज बॉडी विद ए टॉवल, उसने तौलिए से अपने बदन को पोछा, अर्थात पोछने की भी अंग्रेजी यही है। ही रब्ड हिज बॉडी विद ए टॉवल, रगड़ा, पोछा, एक ही बात। चमकाना, जैसे जूतों को चमकाना है तो उसकी अंग्रेजी भी यही है। गिव योर शूज ए रब बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले, बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले गिव योर शूज ए रब, अर्थात जूतों को चमका लो। घिसना चौथा अर्थ है इसका, स्टॉप रबिंग अदरवाइज पेंट विल कम ऑफ, OFF, छूट जाएगा, दीवार पे से पेंट छूट जाएगा। गिव, स्टॉप रबिंग, रगड़ना बंद करो, घिसना बंद करो, अदरवाइज माने होता है नहीं तो, पेंट विल कम ऑफ, पेंट उसका रंग छूट जाएगा। OFF है, ध्यान रखना, कम ऑफ, छूटना। मलना, शी रब्ड द क्रीम ऑन हर फेस, उसने अपने मुंह पर क्रीम मली। शी रब्ड द क्रीम ऑन हर फेस, उसने अपने चेहरे पर क्रीम मली। अब देखें, ये मैंने सेंटेंस लिखा है, अच्छा सेंटेंस है इसलिए लिखा। आपने देखा ही होगा मेरे जख्मों पर नमक क्यों लगा रहे हो, नमक क्यों छिड़क रहे हो, ये आपने अंग्रेजी नहीं देखी होगी। देखें, Why are you rubbing salt in my wound? WOUND, wound माने होता है जख्म। Why are you rubbing salt, salt माने नमक, in the wound, जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, नमक क्यों मल रहे हो, अर्थात और जख्मों को ताजा कर देना, बढ़ा देना दर्द को। अब देखें अगला शब्द इरेज, इरेज, ERASE, बच्चे घरों में मिटारते हैं, जो रबड़ से मिटारते हैं वो देखें, इरेजर उसकी अंग्रेजी है, ERASER, मैंने यहां लिखी हुई है रबड़। इरेज माने मिटाना भी है। द टाइपिस्ट ट्राइड टू इरेज द एरर, टाइपिस्ट ने, टाइप करने वाले ने, टंकण वैसे इसकी हिंदी होती है टंकण, द टाइपिस्ट ट्राइड टू इरेज द एरर, उसने गलती हटाने की, मिटाने की कोशिश की, टाइपिस्ट ने, टाइपिस्ट ने गलती हटाने की कोशिश की, इरेज मिटाने की, हटाने की। एक्सपंज,
एक्सपंज माने भी मिटाना है, देखते रहिए मिटाने की कितनी अंग्रेजी होती है। और ये कठिन अंग्रेजी है, सरल वाली नहीं है। एक्सपंज, एक्सपंज माने मिटाना। हिज नेम वाज एक्सपंज्ड फ्रॉम द लिस्ट, सेम सेंटेंस आ गया, उसका नाम लिस्ट से मिटा दिया गया। हिज नेम वाज एक्सपंज्ड फ्रॉम द लिस्ट, सूची से उसका नाम मिटा दिया गया। अब एक और शब्द है, पहले तो इसकी स्पेलिंग सुन लीजिए, EXPUNGE, एक्सपंज माने मिटाना। अगला शब्द है इफेस, EFFACE, मिटाना, इफेस, इफेस दैट इवेंट फ्रॉम योर मेमोरी, मिटा दो उस घटना की याद अपने दिमाग से, मिटा दो, इफेस दैट इवेंट, वो घटना मिटा दो फ्रॉम योर मेमोरी, अपनी याद से, अपने माइंड से, अपने दिमाग से वो याद भुला दो। टाइम विल इफेस द बैड मेमोरीज, समय सबसे बड़ा मरहम है, आप जानते ही हैं। टाइम विल इफेस द बैड मेमोरीज, समय सारी बुरी यादों को मिटा देता है, सारे जख्मों को भर देता है। अगर कोई जख्मों का सही इलाज है, जो जख्म दिल पर लगे होते हैं, तो वो उसका इलाज केवल एक ही होता है, और वो है टाइम, यानी समय। एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट माने पूर्णतया नष्ट करना, पूरी तरह नष्ट करना, एक्सटर्मिनेट। देखें, रेट्स मस्ट बी एक्सटर्मिनेटेड, अर्थात चूहे जो हैं बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, रेट्स मस्ट बी एक्सटर्मिनेटेड, अर्थात चूहों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान फसलों वगैरह को पहुंचाते हैं और बहुत सारी चीजों को घर में नुकसान पहुंचाते हैं। देखें एक और सेंटेंस, इट इज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया है, सो यू कैन इरेज इट, इसलिए आप आसानी से इसे मिटा सकते हैं, पेंसिल का लिखा हुआ आसानी से मिट जाता है। तो ये अंग्रेजी में क्या लगेगा, क्या प्रेपोजिशन लगेगी, ये नहीं पता होता, मैंने इसको क्लियर किया है, इट इज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया है, सो यू कैन इरेज इट, इसलिए आप इसे मिटा सकते हैं। अब एक और बढ़िया सा सेंटेंस जो इससे संबंधित है और लड़कों को, युवाओं को पसंद आएगा, आई वॉन्ट टू इरेज ऑल हर मेमोरीज, मैं उसकी सारी यादें मिटा देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इरेज ऑल हर मेमोरीज फ्रॉम माई माइंड, अपने मन से, अपने दिमाग से, माइंड की हिंदी मन भी होती है, दिमाग भी होती है, आई वॉन्ट टू इरेज, मिटाना चाहता हूं ऑल हर मेमोरीज, उसकी सारी यादें फ्रॉम माई माइंड, अपने दिमाग से, अपने मन से। अब देखें अगला शब्द क्या है, विकल, छीलना, छीलने की अंग्रेजी है विकल, WHITLE, और भी होती है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी, विकल, WHITLE, छीलना, ही इज विटलिंग ए शुगर केन, विटलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही इज विटलिंग ए शुगर केन, चाकू से जब किसी चीज को छीला जाता है तो उसे विटलिंग कहते हैं, ही इज विटलिंग, WHITLE, विटल, छीलना, ही इज विटलिंग ए शुगर केन, वो एक गन्ना छील रहा है चाकू से। अब देखो अगला, पील, पील माने भी छीलना होता है, शी इज पीलिंग द पोटैटोज, अर्थात वह आलूओं को छील रही है, शी इज शब्द का प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, शी इज पीलिंग द पोटैटोज, अर्थात वह आलू छील रही है, अब सब घरों में कॉमन सी बात है,
आलू छीले जाएंगे। शी इज पीलिंग द पोटैटोज, वो आलू छील रही है। अगर आलू के छिलके की अंग्रेजी देखी जाए तो क्या होगी? पोटैटो पीलिंग्स, पी डबल ई एल आई एन जी एस, पोटैटो पीलिंग्स, आलू का छिलका। पीलर, पील का तो आप समझ गए, पी डबल ई एल। अब देखें पीलर, जिससे आलू वगैरह सब्जी के छिलके उतारे जाते हैं उसे पीलर कहते हैं, जिसे छिलना कहती हैं स्त्रियां, महिलाएं उसको छिलना कहती हैं, पी डबल ई एल ई आर, छिलना। इट इज पोटैटो पीलर, यह आलू का छिलना है, अर्थात आलू इससे छीलते हैं। टू टेक ऑफ द पील ऑफ ऑरेंजेस, टू टेक ऑफ उतारना, छिलका उतारना। टू टेक ऑफ ओडवेलर ऑफ द पील ऑफ ऑरेंजेस, लेमन, किसी भी का भी छिलका उतारने की अंग्रेजी यही है। टू टेक ऑफ उतारना द पील, छिलका ऑफ ऑरेंजेस, संतरे का, लेमन, नींबू का, किसी भी फल के लिए कह सकते हैं। अब देखें बार्क, बार्क की दो हिंदी हैं। हम जानते हैं जो कॉमनली आम तौर पर जिसको हम जानते हैं वो है भौंकना, जो कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, बार्क। अब इसकी दूसरी अंग्रेजी देखें, पेड़ की छाल की अंग्रेजी भी यही होती है बार्क। द बर्ड सेट, चिड़िया बैठी ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल पर चिड़िया बैठी। अब देखें छाल उतारने की अंग्रेजी में बार्क से पहले डिस लगा दीजिए, डी आई एस, डिस बार्क, छाल उतारना। अब देखें अगला शब्द स्क्रेप, खुरचना, खरोच। देखें खुरचना या खरोच आना, आई फेल फ्रॉम द बाइक, मैं बाइक से गिर गया, बाइक तो कॉमन सी चीज है, आई फेल फ्रॉम बाइक एंड स्क्रेप्ड माई नी, मेरा घुटना मैंने छील लिया, गिरा बाइक से घुटना छिल गया, आई फेल फ्रॉम द बाइक एंड स्क्रेप्ड माई नी, मैंने अपना घुटना छील लिया या मेरा घुटना छिल गया क्योंकि मैं बाइक से गिर गया था। अब देखें अगला क्या है, शेव, शेव माने मूंडना, शेव यानी दाढ़ी बनाने से तात्पर्य है, शेव, एस एच ए वी ई, क्लोज शेव, बाल बाल बचना, इससे पहले अगर क्लोज लगा दिया जाए तो बाल बाल बचने की अंग्रेजी हो जाएगी, क्लोज शेव। मूंडना शेव की हिंदी, आई ओनली शेव वंस इन ए वीक, मैं केवल सप्ताह में एक बार दाढ़ी बनाता हूं, आई ओनली शेव वंस इन ए वीक। छू जाना भी इसकी हिंदी होती है, देखें हिज कार शेव्ड द वॉल, कार दीवार से छू गई, हिज कार शेव्ड द वॉल, दीवार से छू गई। अब देखें क्लीन शेविन, क्लीन शेविन मुड़ा हुआ, क्लीन शेविन, सी एल ई ए एन, साफ होता है इसका, क्लीन शेविन मुड़ा हुआ। ही वॉज डार्क एंड क्लीन शेविन, वो काला था और मुड़ा हुआ था, ही वॉज डार्क एंड क्लीन शेविन, एस एच ए वी ई एन, क्लीन शेविन। तो मैंने इसमें कोशिश की है मिटाना शब्द पर, और भी छीलना, पेड़ की छाल, खुरचना, मूंडना, इस पर मैंने ये वीडियो तैयार की है। निश्चित रूप से क्योंकि थोड़े से कठिन शब्द भी इसमें आए हैं तो निश्चित रूप से ये आपको पसंद तो आनी है, जब नए नए शब्द आपको मिलेंगे तो पसंद तो आएंगे ही। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।